सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। टाइटैनिक इस दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। जब वो यात्रा करने के लिए निकला तो 2,240 यात्री उस पर सवार थे जब टाइटैनिक जा रहा था, और जब वह बर्फ की चट्टानों में फंस गया तो वह 3 जहाज उसके आसपास थे। वो चाहते तो वो टाइटैनिक के सारे यात्रियों को बचा सकते थे। उस टाइटैनिक जब वो डूब रहा था, उस समय सबसे पास में एक सैमसन नाम का जहाज था जो केवल 6 मील की दूरी पर था, और टाइटैनिक के कैप्टन ने आपत्तिजनक देखा कि अब हम सब डूबने वाले हैं, तो उसने फायर किया तो सफेद गोले दागे गए जो बहुत मुसीबत आपत्ति स्थिति में दागे जाते हैं। जब उसने देखा, चित्कार सुनी, लेकिन वो सैमसन का, उस जहाज का कैप्टन जो 6 मील की दूरी पर था, उसने देखते हुए, चित्कार सुनते हुए यात्रियों के कि वो डूब रहे हैं, फिर भी नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि उस समय वो इलीगल फिशिंग कर रहा था। वहां पर जीव जंतु, जो समुद्री जीव जंतु थे, उनका गैर आधिकारिक रूप पर शिकार करना, और वो नहीं चाहता था कि वो वहां जाए तो पकड़ा जाए। पर उसने अपनी गलतियों को, गुनाहों को छुपाने के चक्कर में इतने लोगों की जान से उन लोगों को हाथ धोना पड़ा। ये जहाज हम लोगों में से उनमें से है जो केवल अपने पापों की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उनके अंदर से मानवता मर चुकी है। वो किसी की सहायता नहीं कर सकते, केवल उसमें कालाबाजारी जरूर करेंगे, लोगों को ठगने का, लोगों का इस समय दुरुपयोग करने का, कि लोगों से जिस समय जहां लोगों को आवश्यकता है मदद की, वहां लोगों से पैसे छीनने और अपने पैसे बनाने, चांदी बनाने के चक्कर में है। भूल रहे हैं कि वक्त आपका भी आएगा। वक्त है साहब, एक दिन सबका आता है, आपका भी आना है। इसलिए जो प्रकृति को आप जिस तरह से सहयोगात्मक देंगे, चक्र वहीं पर आकर आप पर भी टिकेगा, फिर आप भी उसी मुसीबत में खड़े होंगे। उस जहाज के कैप्टन ने नहीं बचाया, बल्कि वो वहां गैर आधिकारिक रूप से मछलियों की फिशिंग करता रहा। उसी जहाज टाइटैनिक से 14 मील की दूरी पर एक कैलिफोर्नियन नाम का जहाज था। उसने भी जब वो फायर देखा, वो सोले देखे जलते हुए, तो उसने सोचा कि अगर अभी जाऊंगा तो चट्टानों के बीच में टाइटैनिक फंसा हुआ है, मैं जाऊंगा तो मुझे भी चट्टानों से घूमकर जाना पड़ेगा, इसलिए सुबह का इंतजार करता हूं, सुबह खुलेगा तब जाऊंगा। वो पहुंचा सुबह, जब सुबह हुई, सुबह उजाले में पहुंचा, तब तक टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचते 4 घंटे हो चुके थे। समुद्र की तह में टाइटैनिक डूब चुका था, और उसके साथ, उसके कैप्टन के साथ 1540 लोग मर चुके थे, डूब चुके थे। लेकिन ये वो जहाज हम लोगों में से है जो अपनी सहूलियत के अनुसार देख करके दूसरों की मदद करते हैं। अपनी सहूलियत नहीं देखेंगे, अपनी सुविधा नहीं देखेंगे, तब तक किसी की मदद नहीं कर सकते, या फिर समय देखकर करेंगे, अभी हमारा समय नहीं है, समय देखेंगे, अभी क्या पड़ी है, अपने आप कर लेंगे, भगवान करेगा, पर अपनी ओर से मदद नहीं करते। तीसरा जहाज जिसका नाम था कार्पेथिया, वो 64 मील की दूरी पर था। उसने रेडियो के माध्यम से टाइटैनिक के यात्रियों की चित्कार, पुकार, चीखे सुनी थी। उसका रास्ता अलग था, लेकिन ये कहते हैं इंसानियत। उसने अपना रुख मोड़ लिया टाइटैनिक की ओर, बेकार मौसम और बर्फीली चट्टानों का बिना उन्हें नजरअंदाज किए हुए पहुंच गया। लेकिन जब वो लोकेशन पर पहुंचा, तब तक टाइटैनिक को 2 घंटे बीत चुके थे डूबे हुए। लेकिन यही ऐसा जहाज था जिसने 700 यात्रियों को जीवित बचाया। ये वो जहाज उनमें से हम हैं, हम में से वो लोग हैं जो मुसीबत में भी, चुनौतियों का सामना करते हुए भी लोगों की मदद करते हैं। हम भी आज इस माहौल में विश्व रूपी टाइटैनिक पर बैठे हुए यात्री हैं। सभी, किसी की भी अपनी सामर्थ्य अनुसार जीवन बचा लिया, तो इस टाइटैनिक में डूबते हुए किसी एक प्राणी के जीवन बचाने का पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए आए सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें। अगर आपके पास धन नहीं है तो सकारात्मकता विचार फैलाएं। आज लोग नकारात्मक से ज्यादा, क्योंकि सबको किसी को भी अगर कोरोना हो जाता है तो सब अकेले छोड़ देते हैं उसको,
है ना, अकेला। अब याद रखिए, इंसान को अकेलापन ही मार देता है। इसलिए इस समय आपको तारतम्य, भले ही दूरी बनाकर रखें लेकिन मन से दूरी नहीं होनी चाहिए। उसका ख्याल रखें, उससे आपकी करुणा की जरूरत है, उसे आपके साथ की जरूरत है। अपना भी ध्यान रखें पर उसके साथ जुड़े रहें, उसे धैर्य बनाकर रखें। उसका कुछ नहीं होगा, वो फिर से वैसा का वैसा हो जाएगा जैसे प्राय वो खेलता कूदता और आनंद के साथ अपना समय व्यतीत करता था। तो आप अपने मन के सुंदर विचार, पुरानी बातें, पुरानी यादें उनके साथ साझा करें, भगवान की कथाएं सुनाएं, भगवान की अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें दें, कुछ ज्ञान की बातें दें, क्योंकि इस समय आज सबसे ज़्यादा परस्पर प्रेम की आवश्यकता है। इस विश्व रूपी टाइटैनिक पर जहाँ डूबते डूबते हम सभी बचा लें, ऐसा प्रयास करें।